खबर है उन्नाव से, जहां बांगरमऊ क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जनपद कन्नौज से बाराबंकी के लोधेश्वर धाम जा रहे 30 कांवड़ियों की ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 18 लोग घायल हो गए, जिनको मौके पर पहुंची यूपीडा रेस्क्यू टीम ने एम्बुलेंस से बांगरमऊ CHC पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इसमें इलाज के दौरान एक महिला की मौत भी हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस अधीक्षक समेत आला अधिकारियों द्वारा अस्पताल पहुंचकर घायलों की जानकारी ली गई। स्थानीय लोगों के अनुसार सोमवार तड़के करीब 2 बजे धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद एक साथ दर्जनों लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। तब स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर जो मंजर देखा वो डरा देने वाला था। बता दें कि जनपद कन्नौज के थाना तिरवा अंतर्गत गांव सिंहपुर पोस्ट सतोरा से करीब 30 कांवड़िए एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर सावन माह के अंतिम सोमवार के दिन बाराबंकी जनपद स्थित लोधेश्वर महादेव धाम दर्शन पूजन करने जा रहे थे। तभी रास्ते में बांगरमऊ क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गांव देवखरी के निकट सोमवार तड़के रात 2 बजे अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे की सूचना पर पहुंची यूपीडा रेस्क्यू टीम ने राहत बचाव कार्य शुरू कर सभी घायल श्रद्धालुओं को बांगरमऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने कुल 18 लोगों को प्राथमिक उपचार देने के बाद रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला अनुपमा की मौत हो गई। पति की सूचना पर पहुंचकर पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाया, वहीं घायलों का इलाज अभी जारी है। उन्नाव से इंडिया पब्लिक खबर संवाददाता मोहम्मद इरफान खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।